गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने मीडियन रिलेटेड टॉपिक देखा था, आज उसी रिलेटेड मीडियन की मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं हाउ कैन यू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन। मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, देखिए, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, found out the missing frequency if the median of the 60 observation are 28.5। आपको यहां पे 60 observation दिया है और median कितना है आपका 28.5 है। median आपका 28.5 है, ठीक है। कभी कभी वहां पे 60 observation नहीं दिया होगा, आपको यहां लिख देगा ये 60 observation, ठीक है। तो summation fi आपका 60 observation हो गया टोटल आपका। और कभी कभी यहां F1 नहीं दिया होगा, आपको डैश दिया होगा, तो आपको क्या करना है, सपोज कर लेना है कि लेट इट इज F1 एंड F2, ये आपका F1 और F2 है, ठीक है। तो F1 और F2 सपोज करके आपको वर्कआउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे मीडियन में, CF निकालेंगे। CF मैंने बताया था कलेक्शन करना, दैट्स अ 5 प्लस F1, क्योंकि ये आपका क्या है 5 प्लस F1 क्यों होगा कि दोनों का वेरिएबल सेम नहीं है, एक कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, प्लस 5 प्लस 20 25 प्लस F1 प्लस 25 प्लस 50 40 प्लस F1 प्लस 40 प्लस F1 प्लस F2 एंड दैट्स 45 प्लस F1 प्लस F2। ओके, क्या किया हमने, पहले 5 एज इट इज कलेक्शन कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, 5 प्लस F1 हो गया, 5 प्लस 20 25 F1 हो गया, 25 प्लस 15 आपका 40 F1 हो गया, और 40 प्लस F1 प्लस F2 हो गया, और 45 प्लस F1 प्लस F2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये जो आया ठीक है, मैंने बताया था ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। देखिए सेम है कि नहीं, 5 प्लस 20 25 40 45, तो यहां समेशन F1 क्या आ गया 45 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखिए कैसे किया जाए, सॉल्यूशन तो ये चालू हो ही गया है आपका, तो कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमको समेशन हियर गिवन दैट क्या क्या दिया है हमको लिख लिया जाए, हियर गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, समेशन F1 दिया है, F5 कितना टोटल ऑब्जर्वेशन दिया है, देखो 60 ऑब्जर्वेशन दिया है, तो समेशन F5 कितना है 45 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 60, 45 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 60, देयरफॉर F1 प्लस F2 इक्वल टू 60 माइनस 45, यानी F1 प्लस F2 की वैल्यू हो गई 15 हो गई। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, समझ में आया। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में देखना है कि टोटल ऑब्जर्वेशन कहां दिया हुआ है, और टोटल ऑब्जर्वेशन जहां दिया होगा, टोटल ऑब्जर्वेशन जहां दिया होगा वो आपका समेशन एफ आई होता है। पहला काम, पहले आप समेशन एफ आई कर लीजिए, पहले आप समेशन एफ आई कर लीजिए, फिर सी एफ कर लीजिए, दोनों सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, दोनों का दोनों सेम आना चाहिए, ये दोनों सेम आता है तो आपका सही है, आगे कर सकते हैं आप। तो आप सीएफ निकाल लिया, सीएफ आपको पता चल गया वेरिएबल का, वेरिएबल के जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ होगा, वेरिएबल एज इट इज रहेगा उसके साथ एडिशन। सॉल्यूशन हियर क्या दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ है, समेशन एफ आई टोटल ऑब्जर्वेशन 60, सिग्मा एफ आई या समेशन एफ आई, समेशन एफ आई यानी ये हो गया 45 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 60, तो F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना हो गया 15 हो गया। राइट डाउन, इसको लिख लीजिए। हमको पता है कि M का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई M का फॉर्मूला, M का फॉर्मूला होता है L प्लस N बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन F इंटू H। तो सबसे पहले मीडियन में हम N बाय 2 निकालते हैं, N बाय 2, N क्या है मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, N जो होता है समेशन एफ आई होता है, N क्या होता है समेशन एफ आई होता है।
तो पहले n बाय टू निकालिए, n बाय टू यानी 60 अपॉन 2 यानी कि हो गया 30। ओके, अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी में हम क्या देखेंगे कि आपका जो मीडियन दिया है कौन से क्लास इंटरवल में आया हुआ है, कौन से क्लास इंटरवल में आया हुआ है वो मीडियन देखेंगे, और उस मीडियन जो क्लास इंटरवल में आएगा उसके सामने वाला जो होगा वो एफ आई होगा और उसके ठीक तिरछा वो सी एफ होगा। तो देखिए क्या होता है, हियर एम इक्वल टू 28.5 कम्स इन, कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है देखिए, कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है देखिए, 20 to 30 के बीच में कम्स इन, 20 to 30 यानी एल इक्वल टू 20 लोअर लिमिट, इसके सामने वाला एफ 20, इसके ठीक सामने पीछे ये करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, ठीक सामने 5 plus F1 अब H क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 30 माइनस 20 यानी कि हो गया 10, यानी कि हो गया 10। अब फॉर्मूला डालिए, M इक्वल टू L प्लस N बाय 2 माइनस F अपर F इंटू H, M की वैल्यू 28.5, L की वैल्यू 20, N बाय 2 30, सी एफ 5 plus F1 अपॉन एच अपॉन एफ कितना है 20, एच कितना है 10। देखो बच्चों आप लोग को क्या है कि यहां पे ब्रैकेट रखिएगा, बहुत लोग ब्रैकेट नहीं रखते हैं और आपका क्या प्लस करके फिर गलत गलत होना लगता है, आप यहां ब्रैकेट रखिएगा क्योंकि साइन अंदर जाएगा और साइन अंदर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो आपका प्लस हो जाएगा। तो ये देखते हैं आगे क्या करेंगे। नेक्स्ट, इसको इसको नहीं काटना है, किसको किसको 20 20 को, क्यों भैया यहां प्लस है, क्या है यहां पे प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, हाँ ये दोनों कटिंग हो सकता है 0 और 2, यदि कटिंग होता है तो, नहीं होता है तो नहीं करना है, नहीं होता है तो नहीं करना है, कटिंग होता है तो कटिंग करेंगे, नहीं होता है तो नहीं करेंगे, वो कहां जाएगा ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए याद रखें इधर वाले को इधर ही लेके आने का, 28.5 माइनस 20 30 माइनस 5 माइनस F1 अपॉन 2, ये हो गया 8.5 25 माइनस F1 अपॉन 2, देयरफॉर 8.5 क्रॉस मल्टीप्लाई 25 माइनस F1 17 इक्वल टू 25 माइनस F1 यानी F1 इक्वल टू 25 माइनस 17, तो F1 की वैल्यू हो गई 18, F1 की वैल्यू हो गई 18, F1 आ गया आपका 18। अब F2 कैसे निकालेंगे, तो पता है हमारा एक इक्वेशन आया था F1 प्लस F2 इक्वल टू 15, ये फर्स्ट इक्वेशन था, तो हम क्या करेंगे F1 को उस पर पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, F1 प्लस F2 इक्वल टू 15, ठीक है, F1 प्लस F2 इक्वल टू 15, तो 8 प्लस F2 इक्वल टू 15, तो क्या हो जाएगा F2 इक्वल टू 15 माइनस 8 यानी F2 इक्वल टू 7, F2 इक्वल टू 7। इस प्रकार से आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सबसे पहले प्रोसीजर क्या था एक बार देख लेते हैं, प्रोसीजर यह था कि सबसे पहले आप समेशन FI निकालेंगे, फिर CF निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे CF और जो टोटल आएगा नीचे वाला वो समेशन FI से मिलना चाहिए, फिर क्या करेंगे समेशन FI इक्वल टू आपको टोटल ऑब्जर्वेशन दिया होगा उससे आप कंपेयर करेंगे और पहला इक्वेशन बनेगा F1 प्लस F2 के रिलेटेड। फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि मीडियन कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है, मीडियन कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है, जिस क्लास इंटरवल में आ रहा होगा उसी के सामने वाले को एफ लेना है और ठीक ऊपर तिरछे के सीएफ में ठीक तिरछे
आपको क्या लेना है, सीएफ लेना है, ये दिमाग में डाल के रखें। फिर उसी का क्लास इंटर वैल्यू पुट करेंगे, याद रखेंगे, और इधर जो एल है इधर ही जाएगा, उधर कुछ करिएगा नहीं तो गलतियां हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी गलतियां होने कर सकते हैं उसके थ्रू भी, लेकिन थोड़ा अपने को केयर रखना है, इसको इधर ही ले जाएंगे। फिर आप सॉल्यूशन करेंगे, आपको F1 या F2 निकालेंगे और F1 और F2 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, मिल जाएगा। समझ में आया? ओके डन, चलिए लिख लीजिए इसको।